वॉच सर्जरी है, किसी घड़ी वड़ी खराब हो यहाँ पर आ जाओ। नया आउटलेट खुला है यहाँ पर इनका, ये पहले नहीं था। बारिश हो या धूप हो, वॉक वॉक वॉक। वो इतनी लंबी सड़क वो हम कंप्लीट करके आ गए यहाँ पर। जनाब काम सीरियस है तो आए ना यहाँ पर, काम बढ़िया। मैं आज कुछ नहीं बोलना, आज सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक। दुनिया का नहीं, पाकिस्तान का। और मैं तो लंदन में हूँ भाई जान। लंदन का वन ऑफ द लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर स्ट्रैटफोर्ड में, वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर में मैं आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं ना, इसकी वजह से मुझे सोचा कि यार शॉपिंग फिनिश कर लें थोड़ा सा अर्ली, और थोड़ा रमज़ान में बिजी और सारा काम धाम। लेकिन यार रश हुआ हुआ है अगेन, इतना रश और ऐसा शोर हो रहा है, और मौसम भी आज बड़ा मज़ेदार हुआ हुआ है। तो भाई ने फिर कलर भी थोड़ा डिफरेंट पहन लिया कि चलो आज थोड़ा सा मस्त माहौल हो जाए। टाइम हो गया शाम के तकरीबन 4 बज रहे होंगे, ठीक है। मैं आराम से निकला हूँ बिल्कुल रिलैक्स होके, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और आपको उस वेस्ट फील्ड की रौनक शाम की दिखाऊंगा। क्या खूबसूरत वाइब है, और क्या बिजीएस्ट, वन ऑफ द बिजीएस्ट शॉपिंग सेंटर है यहाँ का ये। और ये वैसे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन चेन है जो यहाँ पर है, पूरी दुनिया में ही है। सानू तो सिर्फ शॉपिंग तो मतलब है। तो शॉपिंग करेंगे और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे और मज़ेदार बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और एक खूबसूरत एक और अच्छी सी बात भी है बड़ी मज़ेदार। और वो बात क्या है कि जनाब जी किसी वजह से शॉपिंग होती है ना यार, इतनी अर्ली तो किसी वजह से ही होती है। बहरहाल इंजॉय करता है। मुझे ये लगता है कि मेरी शॉपिंग नहीं हो सकी, क्योंकि इतना रश है, और बहुत ज़्यादा रश होना तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि यार कैसे क्यू अप होना है, कैसे करना है, एक एक लाइन इतनी कि एक एक घंटे की हो जानी है। तो मुझे भी लगता है सिर्फ देखना है, लेकिन नहीं, पूरी कोशिश करूँगा। ओए होए होए, खाना पीना हलाल मिलता है यहाँ पर भाई, कोई टेंशन नहीं है, हलाल मिलेगा और ब्रांड में मिलेगा। जेड़ा मर्जी खाना है, कुछ भी खाना हो, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, और देख के सारा कुछ। हुंडई की नई इलेक्ट्रिक कार आ गई, बताऊँ आ गई है, न्यूज़ आई है ये। क्या खूबसूरत गाड़ी है। नया आउटलेट खुला है यहाँ पर इनका, ये पहले नहीं था। आना जाना तो लगे रहते ना जिंदगी में। अच्छा ये है जनाब, इसकी वैल्यू क्या 10,000 डिपॉजिट, 10,340 अ मंथ, 45,345 की है ये। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे हर चीज़ के, लेकिन एक और हॉस्पिटल नया नज़र आया, सर्जरी जिसको कहते हैं वॉच सर्जरी। ये देखें ऊपर जाना है मैंने, मतलब ऊपर से, मतलब ऊपर फ्लोर पे जाना है भाई। ये रश देख रहे हैं, या अल्लाह। चलो चलो, मेरा नंबर आ गया। फूड कोर्ट, ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। वेस्ट फील्ड आना वैसे इम्तिहान है। अरे अब एक मिनट में खामोश हो जाऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ की आवाज़ है, पर आवाज़ आ रही चप, मतलब कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई खा रहा है,
कोई असर है, यू नो समथिंग इज गोइंग ऑन। हमें गुची गुची लेनी है। क्या खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है इस कैफे का, वाह जी कोई जवाब नहीं, मज़ा आ गया देख के, कितनी ज़बरदस्त आइडिया उन्होंने लगाया हुआ, ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और भी है, मेहनत हो रही ने मेहनत, ये भी मेहनत हो रही है प्यारी। आपको लग रहा होगा मैंने लेना वेना कुछ नहीं है, यहीं आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ कि जो यू नो आपके एक दो शॉपें होती हैं जो आपकी पसंद की होती, वहीं जाके कुछ देखूंगा। वाइट कपड़े देखता हूँ, मुझे सिर्फ क्रिकेट मैच याद आता और कुछ याद नहीं आता। कितना मज़ा आ रहा होगा इनको, ओए ये मालिशें हो रही हैं, ताकतें बन रही हैं, जान बन रही है जनाब, फुल इन्जॉयमेंट है। मैं खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर एक जगह पे कोने पे आके, बिकॉज आपको पता है ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि जहाँ खड़ा करो वहीं पर ही खड़ा हो जाना चाहिए, फिर चलने का बोले फिर चलना शुरू कर दो। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी गया हूँ, वेस्टफील्ड वो इतना बड़ा नहीं है और वो इतना साफ़ सुथरा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का वो जैसे नॉर्मल एक कैजुअल मार्केट है रोज़मर्रा वाली, ये जो यहाँ पर है ये एक लग्जरीस और आप कह लो कि एक यू नो कि कभी कभी आने वाली और बहुत पब्लिक दूर दूर से यहाँ पर आती है। कैन सी के इतने लोग तो यहाँ नहीं रहते ना, कहाँ कहाँ से लंदन से लोग आते हैं यहाँ पर, भर भर के वो गाड़ियाँ आई जा रही हैं और बस वो देखने के लिए। कमाल का रश दिखाऊं, कमाल का रश, ये एप्पल है, रश देखें इसके अंदर, ओए होए होए, कोई लॉन्चिंग नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई नया फ़ोन नहीं आया, कोई नई डिवाइस नहीं आई, लेकिन फिर भी माशाल्लाह क्या खा रहा है भाई। सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है यहाँ पर ये है, ये फूड कोर्ट, बहुत आला खाने मिलेंगे यहाँ पर, मुख्तलिफ डिफरेंट। कुछ समझ ना आया ना, ये इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। मेरे ना दिमाग में एक जैकेट अटकी हुई है इस टाइप की, और ये बनती भी है, कलर भी अच्छा। नहीं आ रहा भाईजान, बहुत बस हो गई, थक गया भाई, बहुत ज़्यादा थक गया, इतना रश है और इतना चलना है कि एंड हो गया। अब ये शॉपिंग मैं जितनी थोड़ी बहुत करनी थी कर ली, मैं इतनी कर सकता हूँ, इतने रश में मैं शुरू करूँ मैंने रोना शुरू नहीं कर दिया, बहुत ही कंजस्टेड मुश्किल, और सारे अल्फाज जो आप डालना चाहो डाल दो कि यार इतना रश है तो उसमें कहाँ से आप कर सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। एक तो वैसे ही रश बहुत है, ऊपर से लेने वालों के साथ साथ ना वेलियाँ भी रश बहुत है, वो वेले आए हैं यार, क्या ज़बरदस्त चीज़ है, सबसे इस पूरे जहां में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है। फिर अब शॉपिंग के साथ साथ क्या होता है कि आपको ना भूख भी लग रही होती है, शॉपिंग हो गई अब खाने की, अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहीं खाना मिल जाए, खाना बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हमारी उनसे थोड़े से ना इशू भी चल रहा है ना, तो इसलिए हम नहीं खा रहे, हमने वहाँ खाना है जहाँ हम खा सकते हैं, समझे। कंट्रोलर ख़राब हो गया, एक कंट्रोलर होता ना वो लेना है, ये बात तो कंफर्म है, घूमने फिरने आना है तो आ जाए, शॉपिंग के लिए तो मैं खाते 4-5 दिन चाहिए यहाँ पर। सही है, वो शॉप है जहाँ पर
पैसे टिका के लगते हैं। गेमिंग शॉप है और यहाँ नए नए गेम और नए नए आइडियाज़ और बे इंतहा पैसे। शॉपिंग का गुर बताऊँ मैं आपको, शॉपिंग का गुर ये है कि जो शॉप आपकी फेवरेट है आप वहीं से शॉपिंग करें और आ जाएं, बाकी सब टाइम वेस्ट है, टाइम ज़ाया है, पैसे ज़ाया है, कोई चक्कर नहीं। बस आप सिलेक्ट मार्क कर लो कि कौन सी शॉप आपको पसंद है, आपकी ना फिटिंग के लिए ठीक है, बस वही है, और बाकी सब ब्रांड शैंड ये सब फारिग है मेरे हिसाब से। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। ज़्यादा रीज़न ये है कि वो कॉलेज स्कूल्स की ऑफ होती हैं, उनकी पार्ट टाइम्स, यहाँ के लॉस की वजह से यहाँ का एडवांटेज है, तो फुल मॉल है, तो ज़्यादातर आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगी वो बच्चे शिक्षे मिलेगी, बच्चे कच्चे। जल्दी जल्दी एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई मुझे कि ये ब्रिक लेन बैगल कंपनी है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैगल बनाती है लंदन में। ये ब्रिक लेन ओल्डगेट में वाइट चैपल के करीब बहुत मशहूर स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है, वो यहाँ पर भी आ गई वेस्टफील्ड में। अच्छा, लेकिन रश नहीं है, आ जाओ यहाँ देखते हैं कुछ कुछ है तो अपने जैसा कुछ खाने पीने वाला। ये है कुछ हलाल टेस्ट ऑफ मलेशिया। किस्मत का खेल देखें, मलेशिया आ गया मैं। ये इसको सादे कहते हैं और मलेशियन टिपिकल डिश है, बड़ी मशहूर है, मैंने देखी थी वीडियोस में, अभी देखते हैं क्या सीन होता है। सबसे मज़ेदार इसमें जो है ना वैरायटी वो ये है, ये पीनट इनका अपना है और ये पीनट बटर से कुछ बनाया है सॉस, और टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है ये, इसकी है ये मज़ेदार चीज़ है। चिकन सिजला, इसमें सब कुछ सब चीज़ें मिक्स हैं, अब पता नहीं कैसा है, इसकी तेज़ी पे ना जाए ये टेस्ट है, अब टेस्ट देखना कैसा है, हमारा टेस्ट है कि नहीं है। ये खाना खा लिया, क्या बताऊँ, मेरा टेस्ट नहीं है भजन, बिल्कुल भी मेरा टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल डाउन है। जिसको इस तरह का खाना पसंद है ना ये उनके लिए ठीक है, तो नॉट फॉर मी। इसमें कोई शक नहीं, इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा बना हुआ है, बड़ा पोलाइटली और बड़ा अच्छा सर्व किया उन्होंने। पर ये इतना सब कुछ होने के बाद ना यकीन करें ऑरेंज जूस का बनता है, अदरवाइज जो है ना बहुत अजीब सा हो रहा है। इस टाइप का कुछ दिल चाह रहा था मेरा, मैंने मैंगो पैशन ले लिया क्योंकि उसके बगैर जो है ना ये हज़म नहीं हो रहा था मुझे। बात तो कन्फर्म है कि मलेशिया में यकीनन कोई ना कोई देसी खाना होगा तो गुजारा होगा, वरना मलेशिया में इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। खाना हो गया, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई, अब बस वापसी की तरफ है, लेकिन रश यकीन करें पब्लिक वैसे के वैसी है, वहीं पे एक बस आ रही है एक बस जा रही है। भाई हमें बिरयानी वाले, हमें बिरयानी ही सस्ती है, हमें बिरयानी ही लगती है, अब ये आड़े तड़े खाने नहीं खा सकते भाई, बहुत मुश्किल है, माफ़ी दे दो। थोड़ी खुश है कहानी को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा भाई को, वेस्टफील्ड बंद नहीं होने वाला, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी बातों में, अच्छी सी और अच्छी अच्छी बातों के साथ, ठीक है, अच्छी जगह पर। रमज़ान आ रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा और गेट रेडी फॉर रमज़ान और तैयारी कर लें इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली रमज़ान की, और रमज़ान में बहुत अच्छा सीज़न शुरू होने वाला है, ठीक है, आल सी इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मौसम बिल्कुल चेंज, ठंड प्लस शाम, जो बताया था मैंने शाम दिखाऊंगा, शाम देख ले बेहतरीन लंदन में, इस वक्त जो ना टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ से लोग आएंगे बैठेंगे और अपने अपने घरों पर, लेकिन हमने जाना है ट्रेन पे। जैसे मज़दूर बदलते हैं ना किसी फैक्ट्री में, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि मज़दूर बदल रहे हैं।